मैं पहुंच गया हरिद्वार। 1 2 3 उत्तराखंड है, उत्तराखंड इधर उधर, उत्तर प्रदेश इधर, उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आती। ओ भाई, आंटी को बुलाए। वो आंटी है गाइस, वेलकम बैक टू बी क्रेजी अनदर वीडियो। और आज का वीडियो यहीं से शुरू होगा, जय महाकाल मंदिर से। मैं कल यहीं पर रुका था, कहना कंडीशन इतना बेकार था मेरा, डायरिया, बुखार, जोरो, हेडेक। अभी भी मेरा हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अब क्या करूँ, राइड तो करना पड़ेगा। सुबह सुबह दवा खाया, उसके बाद देख सकते हो मैंने पैकिंग कर ली। मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, इधर ना लाइन ही नहीं है। आज 1 महीना का रेगुलर राइड के बाद पहाड़ दिखना शुरू हो गया। देख सकते हो पहाड़, पहाड़ इतना दिनों के बाद फाइनली पहाड़ देख रहा हूँ। अपना ना गाँव का याद आ गया, क्योंकि हमारा गांव में भी ऐसे पहाड़ है, पहाड़। तो गाइस, अभी तो मैं यूपी प्रदेश में हूँ और मैं अभी दिन भर रेस्ट किया, राइड नहीं किया, बहुत सर दर्द और बुखार था। मैं इसी मंदिर पर रेस्ट किया, सीताराम मंदिर। गाइस, मैंने यूपी क्रॉस कर दिया उत्तर प्रदेश, अभी मैं हूँ उत्तराखंड। पहुँचने वाला, क्रॉस करने वाला। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 गाइस, उत्तराखंड में मैं पहुँच गया 32 डेज में। अरे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, 32 देश में मैं उत्तराखंड पहुंच गया। ये उत्तराखंड लिखा था नहीं है तो बोर्ड में? सर, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। हाँ जी, इधर उधर उत्तर प्रदेश इधर उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश जी, जो ये लगा है, गेट लगा है जी, ये बॉर्डर है, बॉर्डर। अरे ऐसे हरिद्वार कितना किलोमीटर? 28 किलोमीटर। हेलो बोले। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा यार, अभी मैं पहुंच जाऊंगा हरिद्वार। मेरा ना सपना धीरे धीरे सच होने वाला है, जब मैं केदारनाथ पहुंचूंगा ना। हाय हाय, हाथी जंगल में, हाथी। गाइस, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हाथी, लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा था रियल का हाथी यार। देख सकते हो, देखो ना हाथी, जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अरे यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हाथी। ओ भाई, ओ गाइस, देख सकते हो ना हाथी। उत्तराखंड में हाथी देखने को मिला, अभी मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर उसने मुझे सेंस कर दिया ना, तो मेरा तो टाइम टाइम फिश कर देगा। देख सकते हो ना मैं कितना दूर आ गया हाथी दिखाने के लिए आप लोगों को। बॉय, ये बहुत डेंजरस होता है ये हाथी। ये है हाईवे और मेरा यहाँ पर साइकिल, और ना मैं आप लोगों को इधर ही हाथी दिखाने गया था। किसी ने रास्ते में गिरा दिया, कितना अच्छा है। बजरंग बली और ओहो, माता लक्ष्मी, महादेव, वाओ, दुर्गा माता, ओहो हो हो। जो अच्छे है ना उसे ही मिलता है ऐसा, ये रास्ते पर पड़ा मिला था। बम बोले, जय बोले, जय बोले। मैं पहुंच गया हरिद्वार। ये है गंगा नदी, इसका ना ब्रिज टूटा हुआ है, दूसरी बना रहा है नया, बहुत सुंदर दिख रहा है नज़ारा। तो मैं गंगा नदी के ऊपर साइकिल चला रहा हूँ, इधर ना बहुत डेंजर है, ऐसे गिर जाएगा तो तुम्हारा नाम और निशान कुछ भी नहीं बचेगा। देख सकते हो ना गाइस, मैं पहुंच गया हरिद्वार, आई लव हरिद्वार। ये लोकल मार्केट, अभी ना मुझे आश्रम मंदिर ढूंढना पड़ेगा रात को। इधर तो अच्छा है, आश्रम मंदिर बहुत है, अच्छे से ठाउँ देख के रुकना पड़ेगा। गली गली में मंदिर, ओहो मिनी कार, ओहो
मुझे तो पता नहीं, यहाँ पूछना पड़ेगा ना रास्ते में किसी को। रात का नजारा भी बहुत अच्छा है यार इधर का तो। जय श्री राम गाइस, ये ना श्री भोले, ये ना गाइस, ये है श्री भोले नंदा, क्या श्री भोले नाथ, श्री भोलेनाथ सन्यासी आश्रम। मैं ना नेपाल से आया हूँ, अभी ट्रिप पर हूँ, नेपाल से केदारनाथ जा रहा हूँ। सो मुझे आज से भारी तो लग रहा हूँ, जगह अच्छा लगे। अच्छा आपका डर आगे जो रहा है ना जी, जो रहा है पुलिस के बैरियर वगैरह दो बिल्डिंग बात कर रहा था। अच्छा छोला गिरी धर्मशाला मिल जाएगा उधर रहने के लिए? हाँ मिल जाएगा। यहाँ पर? यहाँ नहीं, यहाँ साधु रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका नाम क्या? भोलागिरी धर्मशाला। भोलागिरी धर्मशाला तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अभी हूँ हरिद्वार विष्णु घाट और भैया के साथ में घूम रहा हूँ, है ना भैया? बहुत अच्छे लोग मिले इधर भी। मेरा साइकिल तो अभी मैंने सेफ ठाउँ पे रख दिया है, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। गाइस कल से ना कुछ भी नहीं खाया, खाना चावल रोटी कुछ भी नहीं खाया, अभी तो खाना है उसके बाद सोना है। इधर ना गाइस बहुत चोरी होता है, ये सब बोल रहे हैं। अभी देखो किचन, ओ भाई कचक कचक। ये ना मेरा अभी का खाना है, ये 80 रुपये प्लेट है। अभी एक भैया ने पैसे दिया खाना खाने के लिए और मैं खाना खा रहा हूँ, देख सकते हो ना। ये क्या है? बहुत अच्छा है, अच्छा है। मैंने ना अभी यहाँ टेंट लगा दिया और सामने है गंगा नदी और सब लोग सो रहे हैं, मैं भी यहीं सोऊंगा। मैंने सामान सब अंदर रख दिया, वो ना इधर बहुत चोरी होता है, मैंने बहुत सुना है यहाँ लोकल से, अभी इधर ना भयंकर चोरी होता है, इसीलिए आज तो मैंने सामान सब रख दिया। मेरे पास फ़ोन है, सो फ़ोन तो मैं ऐसे ऐसे करके ये अंडर पैंट है ना ऐसे ऐसे करके, उसके बाद ये ऐसे करके सोऊंगा। मैं तो स्मार्ट बन गया ना, अभी मेरा फ़ोन तो पहले नहीं चोरी हो गया, तो आज मैं यहीं सोऊंगा। ये लोग भी है देख सकते हो भाई, मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह का बाहर का नज़ारा हरिद्वार का। मेरा टेंट बेला मेरा कर ग्रुपिंग, सो यू आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह बहुत सुंदर सा नज़ारा। ये फीलिंग ना मैं बता भी नहीं सकता, ये कितनी अच्छी है, दिमाग और मन शांति होता है। हरा हरा सम एक्सरसाइज कर रहा है ये लोग भाई साहब। गिर जाएगा ये लोग, एक्सरसाइज बहुत डेंजर है, सब लोग देख रहे हैं इधर। बहुत भयंकर एक्सरसाइज करते हैं यार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा मेरा साइकिल इधर रखा था, तो देख सकते हो ना गाइस साइकिल बहुत अच्छा। केदारनाथ जा रहा हूँ। जा रहे हो? जी जी, साइकिल से। मॉर्निंग भैया, बढ़िया कब आए सुबह? सुबह 5 PM को, AM को। अच्छा अच्छा, कल रात को मैंने सारा सामान भैया के शॉप में रखा था और मैं वहाँ पर सोने चला गया, स्नान करूँगा उसके बाद मंदिरों में घूमने जाऊँगा। भैया बताएंगे इधर का फेमस फेमस टेंपल कौन सा है? फेमस टेंपल है खड़की पौड़ी, हो गया सबसे मेन तो टेंपल्स, उसका हो गया मनसा देवी चंडी देवी, और आगे यहाँ दक्ष प्रजापति मंदिर है कनखल में पड़ता है वो। अच्छा, यहाँ से 25 किलोमीटर है ऋषिकेश। अच्छा, और ऊपर नीलकंठ महादेव है तो 25 किलोमीटर और हिल पे है वो। ठीक है, आज मैं ना इधर का मंदिरों में जाऊँगा, दर्शन करूँगा और उसके बाद जाऊँगा ऋषिकेश। यहाँ से 25 किलोमीटर है और 4 बजे हिड़ूंगा तो अभी पहुँच जाऊँगा 25 किलोमीटर तो। टॉयलेट इधर ना पैसे लगते है, कितने पैसे लगते है? ना ना मतलब आप लोग दूसरे को कितना लेते हैं? 5 रुपये।
अच्छा 5 रुपये ले रहा है हमारा भैया ना, फ्री में करा दे रहा है। कुछ फ्रेश होना है पहले तो। गाइस मैं हूँ गंगा नदी और विष्णु घाट, ये ना सबसे फेमस प्लेस है हरिद्वार का। हाँ है ना भैया, हरिद्वार का सबसे फेमस प्लेस इधर ना, मैंने ये बहुत बार वीडियो में देखा है। मैं भी स्नान करूँगा। ये हमारे यहाँ पे हरिद्वार में दूध बेचते हैं जो अभी गंगा जी को चढ़ाने के लिए दिए हैं। ये है हरिद्वार का सबसे फेमस और ये है विष्णु घाट और गंगा जी नदी, तो देख सकते हो ना बहुत अच्छे से स्नान कर दिया। और हमारा भैया जो मैंने सामान रखा था बहुत अच्छे, और देख सकते हो ना इधर का नज़ारा, वाह। सुबह सुबह ना स्नान कर दिया, दर्शन कर लिया और दूध भी चढ़ा दिया। और किधर गया वो माता ना? अच्छा सो हमारा माँ इधर ना, हमारा माँ है जो माँ सब अच्छा रखता है। गंगा मैया सब आपका सेवा करेगा, पूरी रक्षा करेगा, अच्छे से घर जाएगा बेटा। माँ की तरफ वो एहसास दिला दिया और बहुत अच्छा लगा, खुश लगा। वो बहुत अच्छे से बातें भी किया और दूध भी दिया चढ़ाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ना ऐसा बना है ये पकड़ने के लिए, इसका बहुत तेज है। मैं उतना नीचे से नहीं जा सकता। मैं भी बहुत सारा मंदिर है जो मुझे दर्शन करना है, उसके बाद जाऊंगा ऋषिकेश। हमारा भैया इधर के लोकल और इधर ना इस गंगा नदी में अभी स्विमिंग करने वाला है। आपने कितने लोगों को यहाँ पर बचाया? यहाँ पे तो कई आदमी ऐसे होते हैं जो पानी में गिर जाते हैं, तैरने नहीं आते, तो हम लोग उनको निकालते हैं। भैया ने मुझे अभी बताया, यहाँ फिलहाल में एक गिर गए थे तो उनको हम लोग बचाए थे। भैया लोग ना इधर जितने भी वो गिरते हैं ना, भैया लोग बचाते हैं। अभी ना आप स्विमिंग देखो भैया का, इतना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे भैया रुके ओ भाई भाई सब देख सकते हो ना, भैया को तो अच्छी तरह स्विमिंग करना आता है यार, मैं हो जाता तो डूब जाता। अरे 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 भाई, इतना दूर से निकाल में आया। अच्छा आपको डर नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग बराबर तैरते रहते हैं यहाँ पे, तो आप तैरते रहता है तेरा तो मुझ पे चला जाएगा, मैं तो तैर नहीं सकता। अभी बहुत सारे जिनको तैरने नहीं आता है, बाई चांस पैर स्लिप हो जाते हैं तो गिर भी जाते हैं। जी, तो अगर हम लोग के पता चलता है तो हम लोग बचाते हैं। गाइस देख सकते हो ना कितनी लंबी है, कितने बड़ी है ना, ये पकड़ने के लिए इधर तो इधर ये छोटे से नाली में चेन बना है, चेन भैया लोग तो इधर तैरते। अभी ना गाइस मैंने सुबह सुबह तिलक भी लगा दिया। आप लोग ऐसे कीजिए ना, डुबकी लगाए ना, डुबकी ऐसे सब लोग लगाए ना, आता है हाँ ठीक है, डुबकी लगाए ऐसे।
वन टू थ्री आराम से आराम से आराम से लो फिर से वन टू थ्री बाय अच्छा लगा आप लोगों को मार लिया फिर से मारो ना फिर से जाओ थोड़ी देर अंदर ही रहो ना थोड़ी देर हाँ थोड़ी देर नहीं उसे पकड़ो तो गाइस देख सकते हो ना बहुत अच्छा है वन टू थ्री ओ भाई बहुत भयंकर है यार सुबह सुबह ना स्नान करने का मजा है आपका आपका मम्मी के साथ हाँ वीडियो नहीं फोटो फोटो ले ठीक ठीक ऐसा कीजिए मैं निकाल दूंगा फोटो ओ आप आंटी वो आंटी को बुलाए वो आंटी 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 ऐसे आंटी ऐसे कीजिए पूजा कर रही है ना हो जाएगा तो गाइस अभी ना मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ थोड़ा